एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं संसद, जो कि सत्ता का शक्ति केंद्र और भारत के संविधान का मंदिर है। और ये जगह विजय चौक है, जहां पर 26 जनवरी को आपने भारतीय संस्कृति, शौर्य और पराक्रम की झांकियां देखी होंगी। लेकिन साथ ही इसी गणतंत्र दिवस के दिन आपने देखा था कि लाल किले पे किस तरीके से जख्म लगाए गए थे और किस तरीके से तिरंगे की आन बान शान के साथ में खिलवाड़ हुआ था। तो हम बात करेंगे कि जो कुछ हुआ था उसके बाद कैसे सियासत एक नया रुख ले चुकी है और गाजीपुर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसे कुछ नए प्लेयर घुसने जा रहे हैं और इस पूरे मसले को कैसे सियासी रंग दिया जा चुका है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन साथ ही जिन्होंने भारतीय संविधान की आन के साथ में खिलवाड़ किया, क्या वो दोषी ऐसे ही छूट जाएंगे? नहीं, ये भी हम राज की बात आपको बताएंगे कि कैसे उनको बुक करने के लिए तकनीक का सहारा लेने जा रही है दिल्ली पुलिस। और साथ ही बात करेंगे, क्योंकि अगले ही दिन आने वाला है बजट, तो आपको बजट के पिटारे से क्या मिलने जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी राज की बात में। देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर जब राजपथ पर परेड निकल रही थी, पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दम देख रही थी। संस्कृति, शौर्य और देशभक्त की झांकियों से इंडिया गेट का मस्तक ऊंचा हो रहा था। ठीक उसी समय दिल्ली में एक रार छेड़ने के लिए ट्रैक्टरों की कतार दाखिल हुई, और उसके बाद जो कुछ दिल्ली में हुआ वो सब काला अध्याय है। सदियों से चांदनी चौक में सीना ताने खड़े लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर कुछ बलवाइयों ने देश के गौरव का चीरहरण कर दिया। दिल्ली में जगह जगह उपद्रव हुए, गाड़ियां पलटाई गईं, तलवार और लाठियां लेकर सुरक्षा बलों को दौड़ाया गया, बल्कि यूं कहा जाए दिल्ली को बंधक बना लिया गया। और यह सब हुआ किसान आंदोलन के नाम पर। गाजीपुर बॉर्डर की है और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है उन्होंने, ये वो तस्वीरें हैं जो पूरे देश में देखी है। ये कलंक की वो कहानी जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। लेकिन अब इन्हीं तस्वीरों और कहानियों के पीछे से निकलकर आ रही राज की बात को हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। राज की बात ये है कि किसान आंदोलन के नाम पर हुए बलवे के प्यादों और वजीरों को अभूतपूर्व सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो गई। राज की बात यह है कि दिल्ली पुलिस हंगामा करने और करवाने वालों की पहचान का मेगा अभियान छेड़ चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि हिंसा में शामिल शायद ही कोई चेहरा बच जाए। भीड़ में पहचाने जाने से कोई बचकर निकल जाए ऐसा हो नहीं पाएगा, इसके लिए विशेष प्लानिंग की गई है। किसी को ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि वो पीछे से काम को अंजाम देकर इस बार बच जाएगा। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है, स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस समय कोई भी चीज कहना ठीक नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जैसे जैसे खुलासा होगा आपको। अब ये कैसे होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा, यही राज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। राज की बात ये है कि 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड की हिंसा में हिंसक तत्वों को पहचानने के लिए दिल्ली पुलिस लगभग 1.5 करोड़ कॉल डिटेल्स का विश्लेषण कर रही है। ये कॉल डिटेल्स सिंघू, टीकरी, गाजीपुर, बादली बॉर्डर से लेकर दिल्ली में होने वाले बवाल के क्षेत्रों के लगभग 350 मोबाइल टावर से संबंधित हैं। राज की बात ये कि दिल्ली पुलिस 1.5 करोड़ मोबाइल कॉल को खंगाल रही है। मोबाइल उपभोक्ता ये जितने हैं उनकी किससे बात हुई, कहां बात हुई, उनकी लोकेशन क्या थी, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके आधार पर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पूरे उपद्रव से इन सबका संबंध क्या था और कैसे था।
और इस तरीके से लोग बच के ना निकल पाएं, इसके लिए दिल्ली के 350 मोबाइल टावर जो इस पूरे इलाके में आते हैं उनका ब्यौरा निकाला जा रहा है। इस पड़ताल का मकसद साफ है, मकसद ये कि अलग अलग बॉर्डर से चले लोग कहाँ पहुँचे, उन्होंने किससे बात की। पड़ताल का ये पॉइंट उन लोगों को आसानी से चिन्हित कर लेगा जो सिंह, टेकरी, गाजीपुर, बादली से चले और दिल्ली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में सक्रिय हो गए। इस बड़ी इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि हिंसा करने वाले कानून की खामियों का फायदा उठाकर बिल्कुल बच ना पाए और लूप होल्स जो कानून के होते हैं उनको तलाश कर बच निकलने का आइडिया पुराना हो चुका है, ये संदेश हिंसा करने वाले उपद्रवियों को दिया जा सके। दिल्ली हिंसा के मामले में एक बिन तो हिंसा करने और करवाने की पहचान का हो गया है, लेकिन राज की बात यह है कि इस जांच में दूसरा पहलू भी है। ये पहलू है कि दिल्ली की हिंसा और किसान आंदोलन में क्या विदेशी फंडिंग है, अगर है तो कैसे इस बात की जांच दिल्ली पुलिस फोकस कर रही है। फंडिंग के सोर्स को तलाशने के लिए जिन पॉइंट्स पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है उनमें से एक है बीते कुछ समय में ट्रैक्टर्स की खरीदारी। पुलिस इस बात की डिटेल्स निकाल रही है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में जो ट्रैक्टर खरीदे गए वो खरीदार कौन था और फाइनेंसर कौन था। मोबाइल कॉल का विश्लेषण करने के साथ साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कहीं ट्रैक्टर परेड के पीछे विदेशी फंडिंग तो नहीं। वो ये भी पता लगा रही है कि ट्रैक्टर कब, कितने, कहां पर खरीदे गए और उनके पीछे आय का स्रोत क्या था। चूंकि उद्देश्य ये है इसके पीछे कि अगर विदेशी फंडिंग इसके पीछे आती है तो जो खालिस्तान की बात कही जा रही थी वो भी यहाँ पर साबित होगी तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में बातचीत कर चुके हैं और लगातार इस पर नजर भी रखे हुए हैं। कोशिश ये है कि इस तरीके की चार्जशीट तैयार हो कि कोई भी मुजरिम बच के ना जा पाए। ट्रैक्टर रैली लेकर आईटीओ दरियागंज और लाल किला पहुंचे उपद्रवियों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है। इसके लिए एक ओर पुलिस जहां चेहरा पहचानने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसने उपद्रव वाले दिन हंगामे का गवाह बने स्थानों पर सक्रिय मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स को खंगालना भी शुरू कर दिया। पुलिस के एक आला अधिकारी ने मुझे बताया कि जब नागरिकता कानून के खिलाफ यहाँ पर दिल्ली में दंगे हुए थे तो उस समय भी इसी तकनीक को उपयोग में लाया गया था और ये काफी कारगर साबित हुई थी, इस बार भी उसी को अपनाया जा रहा है। पुलिस इन तीनों सीमाओं पर सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों के आधार पर संबंधित लोगों के नाम और पता को संबंधित मोबाइल कंपनी से हासिल कर रही है। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब के विभिन्न जिलों के आरटीओ यानी परिवहन विभाग से संबंधित लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बने होने को लेकर जानकारी हासिल की जाएगी। अगर वहां से पता चलता है कि संबंधित नाम और पते पर कोई लाइसेंस बना है तो उन लोगों के फोटो भी इन परिवहन कार्यालय से हासिल किए जाएंगे। इसके उपरांत विभिन्न टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और पुलिस के वीडियोग्राफरों की ओर से तीनों सीमा और उपद्रव वाली जगह से परिवहन विभाग से हासिल फोटो के साथ मिलाने का कार्य किया जाएगा जिससे यह पता लग पाए कि कितने चेहरे को सॉफ्टवेयर मैच कर रहा है। अभी आपने आंदोलनकारियों या कहें बलवाइयों की सनक देखी, लेकिन अब बारी है सरकार और दिल्ली पुलिस का जज्बा और तैयारियां देखने की। आपको बता दें दिल्ली पुलिस की जो तैयारियां हैं उसके मुताबिक दिल्ली में कैदियों के लिहाज से जेलें छोटी पड़ जाएंगी। इसके लिए दूसरे राज्यों में कैदी स्थानांतरित किए जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और दिल्ली पुलिस ने अभी से इसके लिए कागजी कार्रवाई सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। और राज की बात ये कि हरियाणा वो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होगा जहां पर यहां से कैदी भेजे जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया क्या होगी ये भी हम आपको समझा दें। पहले लोगों को नोटिस देकर बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, उसके बाद जब सभी बिंदुवार क्रम से तथ्य मिला लिए जाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा ताकि उन्हें जमानत भी ना मिल सके। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन ने अब नए सियासी आयामों को जन्म देना शुरू कर दिया है, राष्ट्रीय फलक पर भी और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसका प्रभाव देखा जा सकता है। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ वो काला अध्याय है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि किसानों का आंदोलन खत्म होने के कगार पर है, लेकिन
राकेश टिकैत की आंखों से जो आंसू निकले वो जैसे अंगारे बनकर दहकने लग गए और नए सियासी आयामों को उन्होंने जन्म देना शुरू दे दिया और जो अब आकार लेते दिखाई भी पड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। किस तरीके से किसान आंदोलन न सिर्फ यहाँ पर मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है बल्कि यहाँ पर तंबू गढ़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में खास तौर से इसकी आमद दिखाई पड़ रही है। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बीजेपी पार्टी लगी किसान को बर्बाद करने बल्कि नहीं छोड़ने। ऐसी क्या वजह है कि आप लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? ये आंसू क्या थे? गांव से पानी लेकर आए, महिलाएं पानी लेकर, गद्दारी से ही मौसम में मैंने जिसको वोट दिया उसने गद्दारी करी। राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन की तस्वीर बदल दी है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत इसकी गवाह है। ऐसे में किसानों के आंदोलन का हश्र क्या होगा इस पर कुछ कहना शायद अभी संभव नहीं है। कारण है कि आंदोलन के पीछे कई मजबूत ताकतें हैं, इनमें सियासी भी हैं और ऐसे तत्व भी हैं जो हर स्थिति में भारत में विघटन की लकीरें खींचने को आतुर रहते हैं। जो हुआ उसके बाद अब आंदोलन क्या मोड़ लेगा, क्या समीकरण बनेंगे, इसका आकलन फिलहाल बहुत दुष्कर है। मगर एक गंभीर चिंता का विषय यह है कि सेना, पुलिस और खेल जगत के साथ साथ अपनी वीरता, परिश्रम और राजनीतिक नामबंदी के लिए सबसे मुखर दो वर्ग सिख और जाट सड़कों पर है। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के बाद आंदोलन ने पूरी तरीके से अराजक रूप ले लिया था। ऐसा लगने लगा था कि आंदोलन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन तभी यूपी की सरकार ने ऐसा सियासी सिर्फ गोल किया कि उसके बाद बाजी पलटती दिखाई पड़ रही। वरना उससे पहले यहीं पर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं पर राकेश टिकैत अपना आत्मसमर्पण करने जा रहे थे और उनके लोगों के लिए यहां पर प्रशासन ने बसों की व्यवस्था भी कर दी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहां पर न सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ गई है बल्कि और ज़्यादा यह आंदोलन आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अपनी दबंग वाली छवि की भ्रांति में आई यूपी सरकार ने सभी जगह से आंदोलन उखाड़ फेंकने का फरमान जारी कर दिया। वो ये भूल गई कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों की तरह किसान आंदोलन में जुटे लोगों के साथ बर्ताव करना राजनीतिक अपरिपक्वता है। यही हुआ भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट इससे आहत महसूस करने लगी। रही सही कसर पूरी कर दी लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के बेलगाम बयानों ने और यूपी पुलिस की कार्रवाई ने। यूपी में नरेंद्र मोदी की आंधी और अमित शाह की रणनीति के आगे पूरी तरीके से सियासी हाशिए पर जा चुके तमाम राजनीतिक दलों और सियासी गुटों को जैसे इस पूरे घटनाक्रम ने एक संजीवनी दे दी और जो बिल्कुल मृत प्राय दिखाई पड़ रहे थे उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन में शिरकत करके अपना जनाधार बनाना और दिखाना शुरू कर दिया है और ये सारे लोग अब राकेश टिकैत के आंसुओं में बहकर वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे चतुर निकली नई राजनीति की अलमबरदार आम आदमी पार्टी। दिल्ली में दूर से बैठकर तमाशा देखती रही आपने, जैसे ही गणतंत्र दिवस पर कांड हुआ उसके बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने तुरंत ही किसानों के साथ जाति का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप मढ़ा। गाजीपुर में जब किसानों का जमावड़ा हुआ तो तुरंत दिल्ली सरकार उनकी मदद में सक्रिय हो गई। आप नेता व दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी के नेता भी गाजीपुर पहुंच गए। वैसे तो राकेश टिकैत कहां आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहे थे कि आपके साथ साथ चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल भी खुलकर सामने आ गई। चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत ने राकेश के साथ मंच साझा किया। आरएलडी का सुपड़ा पिछले चुनाव में साफ हो चुका है। जाट राजनीति करने वाली इस पार्टी को अमित शाह की रणनीति ने हाशिए पर ला दिया और वह अपना वजूद बचाने को संघर्ष कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम उसके लिए मौका है और जाट लैंड में वह अपनी जड़ें फिर से जमाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रही है। आम आदमी पार्टी तो अपने दोनों हाथों में लड्डू देख रही है क्योंकि पंजाब में वो सत्ता की प्रबल दावेदार बनकर उभरी थी। हरियाणा में भी जाट भाजपा से नाराज हैं।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन के जरिए उसे गेटवे मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आरएलडी के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी अपनी सियासी जड़ें जमाने का मौका उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में आप इस बार लड़ने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए संजय सिंह यूपी में काम कर रहे हैं, मगर वहां पर कोई मुद्दा या सियासी समीकरण अभी तक उसके पक्ष में नहीं जा रहा। ऐसे में सियासी रूप से एक आशियाना तलाशते आ रहे टिकैत को आपने लाठी बनाने का फैसला कर लिया है। टिकैत को भी इससे मजबूत होने का मौका मिल रहा है। अब यूपी में किसानों का ये आंदोलन जातीय गोलबंदी के साथ साथ ही नए सियासी समीकरणों को भी जन्म दे रहा है। जिस तरीके से जाटों के बीच में बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी थी, उसको भुनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ साथ रालोद भी पूरी तरीके से मैदान में है। और अगले साल चुनाव है, उससे पहले सियासी चालें और तेज हो चुकी हैं, जिसकी पटकथा यहां गाजीपुर से लिखी जा चुकी है। निर्मला का दावा है कि पिछले 100 सालों में ऐसा बजट पहली बार लिखा गया है, तो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या अभूतपूर्व है इस बजट में और सरकार ने किन समस्याओं के समाधान को इस बजट में अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। तो राज की बात में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और किस वर्ग को क्या मिलने जा रहा है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इस साल चुनाव भी है, तो जनता का जीवन भी बदले, उनका मूड भी बदले और सियासी रणनीति का प्रबंधन भी उसी हिसाब से हो, तो बजट में ये सब इस बार होने वाला है। राज की बात यह है कि किसान आंदोलन की आंधी में फंसी सरकार और सिस्टम को निर्मला सीतारमण का बजट राहत की राह बनाने वाला साबित होगा। राज की बात यह है कि 2021-22 के बजट में देश के अन्नदाता को बड़ी प्राथमिकता मिलने वाली है। किसानों के हित और सम्मान के नाम पर चल रहे आंदोलन और सियासत के बीच इस बार के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सम्मान निधि के दायरे के साथ ही साथ धनराशि में भी बढ़ोतरी के आसार बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कृषि के लिए पिछले वित्त वर्ष में 1,42,762 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित हुए थे। जिस दौर में सरकार पर किसानों के हितों के खिलाफ जाने के आरोप लग रहे हैं, ऐसे समय में आ रहे बजट में कृषि और कृषि कल्याण बजट का बढ़ा हुआ दायरा दिखाई पड़ सकता है और इस नुमाइश के साथ साथ ही कृषि को आधुनिक तकनीक और व्यापार से जोड़ने के प्रावधान भी किए जाएंगे और इसके स्पष्ट संकेत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मिल गए हैं। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 3 कृषि कानून कृषि क्षेत्र में नए युग का शंखनाद है। तीनों कृषि कानूनों को विशेष तौर पर देश के उन 85% छोटे और मझोले किसानों के हित को देखकर बनाया गया है, जिनके पास रकबा भी कम है और संसाधन भी। अगर 85% किसानों की आय को बजट और योजनाओं के माध्यम से बढ़ाया जाता है, तो फिर किसान आंदोलन और उस पर हो रही सियासत खुद ब खुद औंधे मुंह हो जाएगी। किसान आंदोलन चल रहा है, इस तरह के जो आंदोलन जगह जगह छोटे छोटे या बड़े स्वरूप में हैं, इनका असर पड़ेगा? देखिए, इसके साथ अब ये भी जोड़ के देखें कि जिस तरह भारत सरकार ने जो महामारी के समय जो जैसे कदम लिए और ये कदम जो है काफी साहसपूर्ण थे, क्योंकि जो जब एक छोटी अवधि में जो थोड़ी बहुत जो कठिनाई थी वो उसको झेलकर आगे लॉन्ग टर्म विजन जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म उसमें दिखाया, तो इससे भी जो बाहर की जो कंपनियां हैं और देश के भी जो कंपनियां हैं उनको विश्वास आया है कि भारत की जो पॉलिसी मेकिंग है ये काफी मैच्योर है। ये तो रही अन्नदाताओं की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट सिर्फ किसानों को साधने के लिए ही आ रहा है। मोदी सरकार की प्राथमिकता में हर वो बुनियादी चीज है जिससे गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है और मध्यम वर्गीय गरीबी की रेखा से नीचे चला जाता है। हिंदुस्तान में व्यक्ति को सबसे ज्यादा तोड़ती है बीमारी। आपको बता दें कि भारत में 65% खर्चा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। तो मोदी सरकार इसको कम करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। राज की बात यह है
कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जीडीपी का महज 1.5% ही खर्च होता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर ये खर्च लगभग 1% बढ़ा दिया जाए तो लगभग 30% ज्यादा आबादी को इलाज के खर्च से राहत दी जा सकती है। संकेत ये हैं कि लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है, साथ ही कोई नई अन्य योजना पेश करके लोगों के इलाज का बोझ कम करेगी। आने वाला साल चुनावी है, लिहाजा सरकार के बजट और प्राथमिकताओं में महिलाओं को पहले से ज्यादा बजट वाला सम्मान दिया जा सकता है, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुपोषण की बात हो या सशक्तिकरण की। खास तौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो वहां की आधी आबादी साइलेंट वोटर्स की भूमिका में है। ऐसे में उन्हें साधने के लिए निर्मला के पिटारे से तोहफों की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर बात किसानों की हो या आधी आबादी की या सभी देशवासियों के आरोग्य की, सभी के लिए इस बार के बजट में कुछ ना कुछ है। क्योंकि देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसानों के लिए अच्छा बजट आता है तो किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट से सरकार पार हो जाएगी, और आधी आबादी को अगर आपने साथ दिया तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी, और स्वास्थ्य का खजाना अगर लोगों को मिला तो बीजेपी को जीत की इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो इसलिए 2021 का बजट बेहद खास है, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है, बस इंतजार कीजिए। ABP News, आपको रखे आगे।